करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ना तस्वीर में, भैया ये आदमखोर शेर है, कितना ज्यादा बड़ा है। शेरों के सामने जाने में ही वैसे हालत खराब हो जाती है। ये महाशय तो शेरों का शिकार किया करते थे। तो इनका नाम है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, आदमखोर शेर और आदमखोर तेंदुओं का ये शिकार करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शेरों को बचाने लगे ये। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो समय सबसे बड़ा पार्क है, सबसे पुराना पार्क है भारत का। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जानवरों के संरक्षण की बात करें, शेरों के संरक्षण की बात करें, तो इस पार्क में सबसे अच्छे से मैनेज किया जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन शेरों की बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड में है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से, जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। तो आज हम इनकी बायोग्राफी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर अच्छे की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। खुशखबरी दोस्तों, स्टडी आई क्यू का ऑफिशियल ऐप पॉकेट न्यूज लॉन्च हो चुका है। करेंट अफेयर्स ऐप है ये, चलते फिरते पढ़ते रहिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। आप करेंट अफेयर्स आपकी जेब में, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिए। तो अगर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट की बात करें, तो इनका जन्म 25 जुलाई 1875 में हुआ। कहां हुआ? भारत में हुआ। ब्रिटिश में नहीं जन्मे, इंग्लैंड में नहीं जन्मे, आयरलैंड स्कॉटलैंड में नहीं जन्मे थे ये जन्मे थे भारत में। नैनीताल में जन्म हुआ था दोस्तों। उत्तराखंड की बात करें तो खूबसूरत देव की भूमि उत्तराखंड, फुट हिल्स ऑफ हिमालय पे लोकेटेड है। पूरी हिमालयन बेल्ट है, बहुत सारे हिल स्टेशन है, खूबसूरत है उत्तराखंड दोस्तों। गंगा यमुना सब कुछ यहीं से तो आती है ना, भारत की लाइफ लाइन जिसपे भारत पूरा डिपेंड है, वो नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं। मसूरी, पहाड़ों की रानी, अल्मोड़ा, ये सब उत्तराखंड में है। नैनीताल की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है। 1875 से लेकर 1947 तक जेम्स कॉर्बेट नैनीताल में ही थे, इनका पूरा जीवन यही गुजरा है दोस्तों। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इनको नैनीताल छोड़ना पड़ा, भारत आजाद हो गया। 1947 के बाद भारत आजाद हो गया, ये केनिया चले गए, केनिया के जंगलों में ये रहे। और बाद में ये घर में नहीं रहते थे, जंगलों के ऊपर एक झोपड़ी बना के रहते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनसे मिलने आते थे। तो ऐसे थे जिम कॉर्बेट, बहुत ही इन दया भाव बहुत ज्यादा था, गांव वालों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो हमला होता था, गांव वाले इनके पास जाते थे, जिम कॉर्बेट अपनी बंदूक और अपने कुत्ते रॉबिन को लेके निकल जाते थे शिकार पे, अकेले शिकार पे जाते थे, किसी को नहीं ले जाते थे। और उसके बाद तेंदुआ हो चाहे शेर हो, सबका शिकार करते थे नैनीताल में। नैनीताल बहुत ज्यादा प्रिय था इनको। देखिए नैनीताल वैसे बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, और सबसे अच्छी बात यह है नैनीताल की, यहाँ की जो झील है 5 मील में फैली झील, ओहो हो इतनी खूबसूरत है। जब आप जाएंगे झील में, बोटिंग करेंगे, पूरा नैनीताल दिखेगा। तो बहुत ही खूबसूरत, काफी सस्ता हिल स्टेशन है, जरूर विजिट करिएगा। कहां मैं ट्रैवल एजेंट बन गया, ठीक है, मैं जिम कॉर्बेट में वापस आता हूं। तो नैनीताल में ही जिम कॉर्बेट थे। अब इनका परिवार बहुत बड़ा था, अच्छा खासा 16 लोगों का परिवार था दोस्तों। इनके पिताजी जो कि पहले तो मिलिट्री में थे, बाद में पोस्टमास्टर हो गए, लेकिन जब जिम कॉर्बेट 4 साल के थे, सिर्फ और सिर्फ 4 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो इनकी माताजी पे, मैरी जेन कॉर्बेट, उन पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। वैसे इनकी माताजी रियल एस्टेट एजेंट भी थी, मतलब अगर यूरोपियंस को नैनीताल में सेटल होना है तो इनकी इनसे कांटेक्ट करो, ये मकान दिलवा देंगी। तो मकान दिलवाती थी ये, बहुत ही खूबसूरत। इनके पास एक बहुत बड़ा कॉटेज भी था, गर्मी की छुट्टियों में कॉटेज में शिफ्ट हो जाते थे, वहां पे बहुत अच्छा लगता था। तो शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल किया जिम कॉर्बेट ने, जब 4 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो जो पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनकी माताजी पे आ गई। लेकिन इनके बड़े भाई टॉम को इनके पिताजी की नौकरी मिल गई, वो पोस्टमास्टर हो गए, और उसके बाद शुरुआती पढ़ाई जिम कॉर्बेट ने ओक ओपनिंग स्कूल से की, जो कि नैनीताल का एक बहुत ही जाना माना स्कूल है। फिर हम यहां पर देखते हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जिम कॉर्बेट शिकारी बनते गए, एनिमल्स के बिहेवियर को समझते गए, वो ट्रैकिंग हंटर दोनों होते गए। यहाँ पे देखिए होता क्या था कि अभी हम देखते हैं उत्तराखंड में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो ढेर सारे पार्क्स हैं उत्तराखंड में, और यहाँ पे अभी तो डिमार्केशन लाइन्स है कि इसके बाहर कोई जानवर नहीं जाएगा, और जानवरों का एरिया अलग है, इंसानों का एरिया अलग है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, पार्क्स थे नहीं,
तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते थे, जानवर जो थे स्पेशली शेर, ये पूरा शेरों का एरिया था और उस समय तो शेर बहुत सारे हुआ करते थे, तो ये इंसानों की बस्ती में घुस जाते थे, इंसानों को मार देते थे, आदमखोर बन जाते थे। वैसे आपको बता दूं कि अगर हम खाने की बात करें, शेरों के खाने की बात करें, तो इंसान शेर के खाने में नहीं आता है। मतलब इंसान बहुत ही बुरी कंडीशन होगी, जब कुछ नहीं मिलेगा तब जाके शेर इंसान को खाएगा। वो जो फूड चेन होती है शेरों की, उसमें इंसान नहीं आता है, वो इंसानों को बिल्कुल, इंसान को मार देगा लेकिन खाएगा नहीं। बहुत ही लास्ट उसके पास ऑप्शन होता है कि वो इंसानों को खाए। आप समझ सकते हैं, प्याज और रोटी देना, अगर आप प्याज और रोटी खा रहे हैं, ठीक वैसे ही अगर इंसानों, अब शेरों को हम इंसान दे रहे हैं, तो वो उनके लिए प्याज और रोटी के समान है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जिम कॉर्बेट के पास बहुत सारे गांव वाले आते थे कि आज अटैक हो गया, आज हमारे बच्चे को मार दिया, तो जिम कॉर्बेट अपनी बंदूक लेके निकल पड़ते थे। तो धीमे धीमे हंटर हो गए, 16-19 शेरों का शिकार किया, 16 तेंदुओं का शिकार किया, हालत खराब कर दी थी। यहाँ पे जो बहुत ही फेमस शिकार थे दोस्तों, 1910 में शेरों को इन्होंने एक तेंदुए को मारा था, और 1926 में इन्होंने एक तेंदुए को मारा था। वो तेंदुआ बड़ा खतरनाक था। बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर जो जो भी श्रद्धालु जाते थे उन पे अटैक करता था। यहाँ पे जिम कॉर्बेट को जब पता चला, अपनी बंदूक लेके गए, मार दिया। लेकिन बाद में इन सबको बचाने लगे जिम कॉर्बेट, तो वो क्यों हुआ देखेंगे। बहुत बड़े राइटर भी थे, ऑथर भी थे। जिम कॉर्बेट के लाइफ पे ढेर सारी मूवीज भी बनी है, बीबीसी ने तो डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई है, और बहुत सारी किताबें जिम कॉर्बेट ने खुद लिखी है। इसमें मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल किताब है, 2.5 लाख से ज्यादा कॉपियां इसकी बिकी थी, 27 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। फिर मैन ईटिंग, लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, टेम्पल टाइगर, मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ, ये सारी की सारी किताबें जिम कॉर्बेट ने लिखी है, ठीक है ना। तो ये चीज है, 1200 लोग शेर के हमले का शिकार हुए थे, यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार भी बना दी थी हल्द्वानी में, ठीक है, 10 फीट ऊंची और 5 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी, और बहुत लंबी, ताकि जानवर जो है वो आ ना पाए, ठीक है। अभी तो हल्द्वानी एक बहुत बड़ा शहर हो गया है, अगर आपको नैनीताल जाना है तो या आप काठगोदाम चले जाइए, या बेस्ट है उससे जस्ट पहले एक स्टेशन पड़ता है हल्द्वानी, वहां से आप जा सकते हैं नैनीताल। तो अभी तो हल्द्वानी बहुत ही खूबसूरत हो गया है, लेकिन उस समय जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था, शहर थे ही नहीं उत्तराखंड में। तो ये सारी चीजें थी, और इन्होंने फिर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जिसको छोटी, मतलब वॉल ऑफ छोटी हल्द्वानी भी बोला गया, क्योंकि पूरा उत्तराखंड में हर जगह घूमते रहते थे। और अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करें, तो ये पूरे उत्तराखंड में ये जो पार्क है वो फैला हुआ है, लेकिन उस समय सिर्फ एक जंगल था, कुछ भी नहीं था। तो ये सारी चीजें थी। अब ये शिकार पे जाया करते थे, ठीक है, विलेजेस इनको बताते थे, ये शिकार पे जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब ये शिकार कर रहे थे, या जब ये शिकार करते थे, तो होता क्या था कि ये शिकार पे गए, इन्होंने जानवरों को मारा, जानवरों को ये घर पे ले आए, उनकी बॉडी को देखते थे, एनालाइज करते थे, पूरी बॉडी को देखते थे, उनको परखते थे कि क्या क्या है, उसके बाद उनकी खाल उतार के टांग देते थे ये दीवार पे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब ये शेर को अपने घर लेके आए, मतलब उसको मार दिया था, तब इन्होंने जब एनालाइज किया इसकी, उनकी उसकी पूरी बॉडी को देखी, उसकी शरीर पे चोटों के निशान थे, वो शेर घायल था। और तब ये समझ में आया जिम कॉर्बेट को कि एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे शेर इंसानों की बस्ती में नहीं जा रहे हैं, इंसान शेरों की बस्ती में जा रहे हैं, इसीलिए ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। यहां पे इंसान भी शेरों को अटैक करते हैं, तेंदुओं पे अटैक करते हैं, इसी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यहां पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसानों की जाने जाती हैं। पूरी तरीके से जिम कॉर्बेट बदल गए, जो जिम कॉर्बेट शिकारी थे वो बाद में टीचर बन गए, स्कूल्स में जाते थे, पढ़ाते थे शेरों के बारे में, तेंदुओं के बारे में, एनिमल बिहेवियर के बारे में बताते थे कि अगर सामने कोई जानवर आ जाए, वैसे तो एनिमल बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई सामने शेर आ गया, कोई सामने तेंदुआ आ गया, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से चौकन्ना रहना है, बच्चों को बताते थे, और बड़े इफेक्टिव वे से बताते थे। वैसे गांव वाले बहुत ज्यादा इनकी इज्जत इज्जत करते थे, और जिम कॉर्बेट भी गांव से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, विलेजेस से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ही दया भावना थी जिम कॉर्बेट। वैसे भी उस समय विलेजेस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो इसलिए और भी ज्यादा, और शेरों के शिकार से विलेजेस की जान भी जा रही थी। तब जिम कॉर्बेट ने यह सोचा कि ये तो ऐसे रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना,
तो क्या कर सकते हैं आप, सीधी सी बात है, नेशनल पार्क घोषित कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। एक बार इस पूरे एरिया को, क्योंकि उस समय कुछ था ही नहीं, पूरा एरिया जंगल था, अब आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी शेर घूम रहे हैं, कहीं पे भी तेंदुए, कहीं पे भी इंसान घूम रहे हैं, तो बेस्ट है एक एरिया बना दो कि इस एरिया में जानवर हैं। और वो कैसे करेंगे आप, सीधी सी बात है, या तो उसको सेंचुरी बना दो या फिर नेशनल पार्क बना दो। तो यहां पे हम देखते हैं, पहले हेली नेशनल पार्क बनाया गया था, इसका नाम जो है वो हेली नेशनल पार्क था, जो कि एक टाइगर सेंचुरी था, और उस समय तो शेर बहुत हुआ करते थे। और वैसे आपको बता दूं कि कभी आप जब सफारी पे गए होंगे, अगर आपने शेर देखा है, आप चिड़ियाघर में शेर देखते हैं और आप जंगलों के शेर देखिए, जमीन आसमान का फर्क होता है, दुगना साइज होता है यहाँ पे शेरों का, जो जंगल में होते हैं। जरूर जाइएगा, वैसे बहुत मुश्किल होता है कि शेर दिख जाए, लेकिन साइज उनका दुगना होता है, तो समझिए कितना मुश्किल रहा होगा जिम कॉर्बेट के लिए शिकार करना। वैसे तो शिकार करना दोस्तों बिल्कुल इस समय तो बिल्कुल इलीगल है, अगर आप शिकार कर रहे हैं, और ये बहुत ही खराब है, शिकार करना भी नहीं चाहिए। और बाद में जिम कॉर्बेट को भी ये समझ में आ गया था, 1920 में उन्होंने कैमरा खरीदा था, और आपने फोटो देखी ना, शिकार करते थे, फोटो खींच लेते थे, शूट करने लगे थे ये एनिमल्स को, लेकिन एनिमल्स कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, जहां पे भी कैमरा देखते हैं भाग जाते हैं वो। तो हम ये देखते हैं, पहले तो हेली नेशनल पार्क बनाया, और 1957 में भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसको नाम दिया गया, और ये जिम कॉर्बेट को ही डेडिकेटेड था, इन्हीं को ही एज अ ट्रिब्यूट था, तो इसीलिए इसको जिम कॉर्बेट बोला गया। फिर हम यहां पे देखते हैं कि 1947 जब भारत आजाद हुआ, अब जिम कॉर्बेट को नैनीताल छोड़ना था, बहुत ही इमोशनल मोमेंट दोस्तों, बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट, नहीं चाहते थे छोड़ना लेकिन छोड़ना पड़ा। अपनी बहन मैगी कॉर्बेट के साथ उन्होंने गर्नी हाउस जहां पे रहते थे, वैसे तो अब तो गर्नी हाउस एक म्यूजियम हो गया है, और नैनीताल जाए तो आप आसानी से जा सकते हैं, आई थिंक 3 रुपए 10 रुपए कुछ टिकट है, और गर्नी हाउस बहुत ही खूबसूरत है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये समय। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिम कॉर्बेट 1947 के बाद केनिया चले गए, और केनिया जब गए तो वहां पे पेड़ों के ऊपर झोपड़ी बना के रहते थे। आपने बिल्कुल सही सुना, पेड़ों के ऊपर झोपड़ी बना के रहते थे, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, भैया क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पे 2 महीने 2 दिन के लिए रहने आई थी उनके साथ, तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा मूवमेंट था इनके लिए। उसके बाद अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, तो आज तो ये बहुत बड़ा पार्क है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, सफारीज भी यहाँ पे होती हैं, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, 340 टाइगर्स हैं दोस्तों, ठीक है, अगर टोटल उत्तराखंड की बात करें, अकेले 215 यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन काम किया। सोचिए अगर ये पार्क ना बनता और जिम कॉर्बेट ये इनिशिएटिव नहीं लेते, तो क्या हालत होती शेरों की, अभी भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पार्क बना और अभी यहाँ पे बहुत सारे जानवर जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, यही मकान था जहां पे जिम कॉर्बेट रहा करते थे, गर्नी हाउस, जो कि इस समय तो म्यूजियम में आप जा सकते हैं, और यहाँ पे जिम कॉर्बेट ने जिन जिन शेरों का शिकार किया, उनकी बंदूकें, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल जाइए, जब नैनीताल जाइएगा तो यहाँ जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। तो ये चीज, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों, छोटी हल्द्वानी, यहाँ पे इन्होंने एक दीवार बना दी थी, और ये ट्री पेड़ों के ऊपर रहते थे जब ये केनिया गए थे, ठीक है ना, केनिया गए थे तो वहां पे कॉटेज पाक्सटू इन्होंने लिया था, और उसके बाद पेड़ों के ऊपर जंगलों में ही रहते थे। और 1952 में हम यहां पे देखते हैं एलिजाबेथ भी आई थी, बिल्कुल एलिजाबेथ भी आई थी, और ये तो इनके लिए ट्रीट हो गई, भैया महारानी ब्रिटेन की यहां पे आ रही है, तो ये चीज है। 1907 से लेकर 1938 तक इन्होंने 19 शेरों को मारा और 14 तेंदुओं को मारे, सबके सब आदमखोर थे, लेकिन कुछ इल्जाम भी लगा इनके ऊपर, सबके सब आदमखोर नहीं थे, कुछ नहीं थे, जब मतलब शेरों की जब जांच हुई तो ये पाया गया कि कुछ शेर आदमखोर नहीं थे, ठीक है, तो ये भी चीज है। 1200 लोग इफेक्ट हुए थे जो शेर अटैक करते थे। 19 अप्रैल 1955 हार्ट अटैक होता, और यहां पे जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट का देहांत हो गया था 1955, और 2 साल बाद 1957 को ही हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया एज अ ट्रिब्यूट टू जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। तो ये चीज थी। अब उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, बहुत अच्छे खासे ऑथर थे ये, और काफी किताबें लिखी थी,
जंगल स्टोरीज इन्होंने लिखी थी 1935 में, बहुत ही खूबसूरत किताब है, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, इनकी सबसे सक्सेसफुल किताब है ये, 27 भाषाओं में और बहुत सारी लाखों लाखों इनकी कॉपीज बिकी थी यूरोप में, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग 1947 में, माई इंडिया 1952, क्योंकि पूरा तो जीवन इन्होंने इंडिया में ही बिताया, आजादी के बाद ये केनिया चले गए लेकिन पूरा जीवन इन्होंने नैनीताल में बिताया, बहुत ही इमोशनल मूवमेंट था दोस्तों जब इन्होंने भारत को छोड़ा था। जंगल लोर 1953, टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं 1954, ट्री टॉप्स 1955, ये इनके एक्सपीरियंस थे यहाँ पे, जो मतलब जब ये केनिया में रहते थे पेड़ों के ऊपर झोपड़ी बना के तब कैसा था। जंगल लोर की बात करें दोस्तों तो इस किताब को इनकी ऑटोबायोग्राफी भी माना जाता है, ये जो इन्होंने किताब लिखी तो इसको ऑटोबायोग्राफी भी माना जाता है। फिर इनके देहांत के बाद जो अनपब्लिश किताब, अनपब्लिश मतलब जो जिम कॉर्बेट पब्लिश नहीं कर पाए दूसरे लोगों ने पब्लिश की, तो आरी हॉकिंस ने कुछ सिलेक्ट किया था जिम कॉर्बेट के वर्क्स को और वो 1978 में जिम कॉर्बेट्स इंडिया नाम से पब्लिश हुई। फिर उसके बाद 2012 में माई कुमाऊं भी पब्लिश हुई, तो ये वर्क्स थे इनके। तो ग्रेट ऑथर, हंटर एंड अ कंजर्वेशनिस्ट, टीचर, सब कुछ थे जिम कॉर्बेट, और हमको डेफिनेटली जो आज श्रेय जाता है इतना बड़ा पार्क बनाने का और शेरों को बचाने को, वो इनको तो जाता ही है। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।